कोई हिंदू मुसलमान में कोई फसाद वाली बात नहीं है, हम यकीन। मेरा नाम शंकर सिंह है, मैं मुस्तफा हबीब हैदर सरकार का मरीज हूँ। मैं एक विशेष कहना चाहता हूँ, जो पॉलिटिकल लोग आके हिंदू मुस्लिम को लड़ा के आगे निकल जाते हैं, अपन हिंदू मुस्लिम और सब एक, तो पॉलिटिकल किस काम की बात ही नहीं है, हिंदू मुस्लिम एक होना चाहिए। हम जो गाय माता मानते हैं, हम जिसको गाय माता बोलते हैं तो उन्होंने खाना, जो जिसको गाय नहीं मानते वो काट के खा सकते हैं। हमको कोई ऐतराज़ नहीं है, हमारी गाय माता को नहीं काटे, जो जिसको गाय नहीं मानते माता नहीं मानते वो काट सकते हैं। आज हाजीपुरे में मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से बीफ पार्टी के नाम से एक प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम का अहम मकसद यही है कि जो हालिया में उत्तर प्रदेश दादरी में जो वाक़या पेश आया, उसमें यह बात को वाज़ह करना है कि बीफ सिर्फ गौ का गोश्त नहीं होता, बल्कि दूसरे और बड़े जानवरों को भी बीफ कहा जाता है। अब रहा सवाल कि जो हिंदुस्तान में चंद रियासतों में सारे बड़े जानवरों पर बैन लगाया गया है, लेकिन दूसरे रियासतों में बैन नहीं लगाया, जैसे कि मिसाल के तौर पर तेलंगाना रियासत है, तो यहाँ पर बीफ का इस्तेमाल हुकूमत की और क़ानून की इजाज़त से किया जा रहा है और किया जा सकता है, लेकिन कुछ फ़िरका परस्त ताकतें इस पर बैन लगाने की नापाक कोशिश कर रही है। उसी के एहतजाज में एक प्रोग्राम भी मुनक़िद किया गया और यह बयान भी देना मकसद है कि चंद फ़िरका परस्त ताकतों की जानिब से जो काम किया जा रहा है उसमें कोई कामयाबी नहीं मिलेगी। सेक्युलर हिंदू है, सेक्युलर मुसलमान भी है, जो सब एक साथ हैं और अल्हम्दुलिल्लाह गंगा जमुना तहजीब कायम है। हिंदुस्तान में फिरका परस्त ताकतों की तरफ से दादरी में एक ऐसा वाकया पेश है अफसोसनाक, जिसकी बुनियाद पे एहतजाजी तौर पर हाजीपुरे में ये बीफ प्रोग्राम रखा गया, ताकि पब्लिक में अवेयरनेस पैदा कर सके कि बीफ मतलब खाली काउ को नहीं कहते, बीफ मतलब जो है ऑक्स और कैमल या और कई किस्म के गोश्त होते हैं, जो बड़े का गोश्त होता है उसको बीफ कहते हैं। बीफ का मतलब ये नहीं है कि खाली जो है गाय को काटा जाए, गाय मुसलमान पसंद नहीं करते, क्योंकि हिंदुस्तानी कानून में वो